हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। टेक्सोकॉन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर एंड बैटरी का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे अपने घर या ऑफिस के लोड के हिसाब से। ठीक है, कई बार हमें इन्वर्टर जैसे हम बाई करने के लिए शॉप पे जाते हैं तो उस टाइम पे हमें नॉलेज नहीं होती कि किस रेटिंग का हमें इन्वर्टर लेना चाहिए और किस रेटिंग का हमें बैटरी लेनी चाहिए। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि बैटरी बड़े से बड़ा जितना भी हम यूज करेंगे, मतलब ज़्यादा कैपेसिटी का, ठीक है, तो वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे लोड कम है, बैटरी हमने ज़्यादा कैपेसिटी की ले ली तो उसमें अच्छा ही तो रहेगा कि वो जो उसका बैकअप होगा वो ज़्यादा होगा। बट कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे हमें बैटरी को खाली करना होता है ना। अगर आपकी बैटरी प्रॉपर खाली नहीं हो रही है, एम्प्टी नहीं हो रही है, ठीक है, डिस्चार्ज नहीं हो रही है, तो वो भी बैटरी पे बैड इफेक्ट। तो 60 to 70% बैटरी आपकी डिस्चार्ज होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से चल पाएगी, उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। अगर हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे प्रॉपर, 10% या 20% यूज़ कर रहे हैं, तो बैटरी हमारी जल्दी ख़राब हो जाएगी, उसका जो लाइफ होगी वो कम होगी। ठीक है, तो कई सारी ऐसे फैक्टर पे बात करेंगे। बस आपको करना क्या है कि मेरे साथ में जुड़े रहिए इस वीडियो में, मैं इन्वर्टर की रेटिंग बैटरी की रेटिंग दोनों आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के बाद में इस वीडियो को देखने के बाद में कभी भी आपको इन्वर्टर लेना है, कितने भी लोड के लिए बैटरी लेनी है, तो उसकी कैपेसिटी का आपको पता होगा कि कितनी आपको लेनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में घर पे या ऑफिस में लोड है वो कितना है। ठीक है, तो आप गूगल पे देख सकते हैं अलग अलग लोड, जैसे एलईडी बल्ब आप यूज कर रहे हैं, या टीवी है आपके घर में, या फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सबके लोड अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा चीजें, उन्हीं से आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आपको पता होगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी घर का, उसमें नॉर्मल क्या चीजें होंगी, ठीक है, उसी से मैं आपको आइडिया दे दूंगा। जैसे सपोज दैट किसी घर में एक 0 वाट का बल्ब है ना, 0 वाट का बल्ब है, ठीक है, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वो 15 वाट होता है। ठीक है, 0 वाट के, ये बोलने के लिए 0 वाट होता है, बट 15 वाट का बल्ब ये होता है। ठीक है, इसके बाद में एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब सपोज दैट 3 है, ठीक है, ये 9 वाट के नॉर्मली यूज किए जाते हैं, तो 9 वाट का मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, 3 की क्वांटिटी में। इसके बाद में एलईडी टीवी का एक सपोज दैट टीवी है, उसकी जो वॉटेज है वो एलईडी टीवी की 100 वॉट होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सपोज दैट फ्रिज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रिज अगर 165 लीटर का आपके पास में है, मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ आपको, तो उसकी भी जो वाटेज होती है एक है ये, वो भी 100 वोल्ट होती है। ठीक है, ये कैपेसिटी बढ़ेगी उसकी, तो वोल्टेज भी बढ़ती है उसी हिसाब से। तो मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास में 165 लीटर का है, उसकी जो वोल्टेज होगी वो होगी 100 वोल्ट। ठीक है, अब हमें इसको सपोज दैट इतने ही है, ये और भी हो सकते हैं, आप जैसे वॉशिंग मशीन या कुछ और भी ऐड कर सकते हो, उसकी वोल्टेज को आप गूगल से निकाल के देख सकते हो। ठीक है, तो इनको हमें ऐड कर देना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा, ये तो 15 ही होगा क्योंकि एक की क्वांटिटी में है। इसके बाद में इन्हें अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बल्ब है 9 9 वॉट के, तो मल्टीप्लाई किया तो 27 होगा ये। इसके बाद में अगर यहाँ पे करेंगे, ये एक की क्वांटिटी में है तो ये 100 होगा। इसके बाद में अगर यहाँ पे आएंगे फ्रिज पे, तो ये कितना होगा, ये भी एक है ना, तो ये क्या होगा, 100। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार कि कितना ये टोटल वोल्टेज आ रही है। ठीक है, तो इन्हें मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद में मेरे को यहाँ पे मिल रहा है 100 200, एंड यहाँ पे आएगा ये 42। ठीक है, तो ये हुआ 242, राइट। तो ये मेरे पास में टोटल वोल्टेज निकल के आया जो मेरे पास में लोड है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए हम 240 भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो मैं अप्रोक्स ले लेता हूँ 240 वॉट, करेक्ट है।
अब इसके बाद में मुझे क्या करना है कि एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सेफ्टी पर्पज या सेफ्टी फैक्टर की अगर बात करें उसके हिसाब से हमें क्या होगा, जो भी टोटल हमारी लोड की वोल्टेज आ रही है उसमें 25% ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम इन्वर्टर को या बैटरी को नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये अपने पास में आया है 240 वॉट, तो इसको 25% प्लस लेना है। तो क्या करेंगे इसमें, 25 प्लस का मतलब होगा 125 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो कितना आएगा ये आएगा अपने पास में 240 × 5 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा वो सिंपल बनाने के लिए हम इसे कर सकते हैं 240 × 1.25। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं कैलकुलेट करके अभी यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कि क्या इसकी कैलकुलेशन आएगी। इट इज 240 × 1.25, तो ये अपने पास में आया है 300। ठीक है, एग्जैक्ट, तो ये अपने पास में आ जाएगा 300 वॉट। ठीक है, अब इसके बाद में एक और चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ से भी इसकी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद में इसको पावर फैक्टर भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर नॉर्मली होता है 0.8, तो यहाँ पे आप करेंगे 300 को डिवाइड करेंगे 0.8 से। अब जो ये एग्जैक्ट आएगा निकल के, ये होगा हमारे घर का एग्जैक्ट लोड जिसके हिसाब से हमें इन्वर्टर या बैटरी के को लेना है। ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं अभी, और 300 को डिवाइड करेंगे 0.8 से तो ये निकल के आएगा 375। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 375 वॉट। ठीक है, तो ये अपने पास में अभी वोल्टेज इसकी आ गई है। अब बात करते हैं कि ये जो वोल्टेज आई है भाई, ये आई है एग्जैक्ट वोल्टेज जिसके अकॉर्डिंग हमें इन्वर्टर एंड बैटरी को लेना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। ठीक है, इन्वर्टर की रेटिंग, किस रेटिंग का आपको इन्वर्टर लेना है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि इन्वर्टर आपको किस रेटिंग का लेना है। तो देखिए, अगर मैं इन्वर्टर की बात करूंगा, इन्वर्टर की रेटिंग होती है VA में, आपको आइडिया होगा। ठीक है, वोल्टेज एम्पियर में। तो कभी भी आप इन्वर्टर लेते हैं तो उस पर अगर देखेंगे आप, जहाँ पे उस पर कुछ मेंशन रहती है चीज़ें, जहाँ पे VA में रेटिंग भी होगी, वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी लिखी रहती है, कितनी एफिशिएंसी इसकी है। इट कैन बी 80%, 90%, कुछ भी, है ना। ठीक है, तो सपोज दैट ये 90% भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है। ठीक है, तो सपोज दैट इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है 90% है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो ये 375 है, ठीक है, इसको डिवाइड कर देना है 0.9 से। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, अगर 80% एफिशिएंसी का इन्वर्टर लेना है तो 0.8 से डिवाइड करना है, अगर आपको 90% वाला इन्वर्टर है तो 0.9 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एग्जैक्ट ये कितना आएगा, 375 डिवाइड बाई 0.9। ठीक है, तो ये अपने पास में आया है 416। ठीक है, ये अपने पास में आया है 416.66। ठीक है, तो ये VA, ठीक है, 416 VA, राइट। तो ये किसकी रेटिंग होगी, ये रेटिंग होगी इन्वर्टर की, जो इन्वर्टर आपको लेना है। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट रेटिंग का इन्वर्टर मिलना इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, इस रेटिंग से ज्यादा का, जैसे 450 VA का आपको कहीं पे मिले या 500 VA का, तो जो भी इसके पास में होगा बट इससे ज्यादा होगा वो इन्वर्टर आपको लेना है। ठीक है, तो ये तो हुई इन्वर्टर की रेटिंग की बात। अब बात करते हैं बैटरी की। ये मैंने आपको बताया इन्वर्टर रेटिंग। ठीक है, इसके बाद में अगर बैटरी की बात करें, बैटरी रेटिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है लोड इनटू बैकअप, ठीक है, और डिवाइड बाय वोल्टेज। ये बैटरी का वोल्टेज आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे रखना है, करेक्ट। तो अगर इस फॉर्मूले में हम चीजों को रखेंगे तो इसका बैटरी की रेटिंग भी हमारे पास में आ जाएगी। देख लेते हैं अभी, लोड अपने पास में कितना है, 375 इंटू
बैकअप। आपके घर में आपको यहाँ पे देखना होगा कि कितनी देर के लिए लाइट जाती है, ठीक है, कितनी देर के लिए आपको बैकअप लेना है इसका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेन ध्यान देना है, आपका ऐसा ना हो कि आप सिटी में रहते हैं, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए लाइट जाती है या 2-4 मिनट के लिए जाती हो, और यहाँ पे आप 8 घंटे डाल दो, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, अगर कैलकुलेशन सही करनी है तो आपको बैकअप भी उतना ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आधे घंटे के लिए लाइट जाती है या 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, तो आपने यहाँ पे डाल दिया टोटल मेरे को 2 आवर का बैकअप चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, 375 × 2, ठीक है। इसके बाद में इसे डिवाइड करेंगे वोल्टेज, बैटरी का जो वोल्टेज है, मतलब जो आप बैटरी लेने वाले हैं उसकी वोल्टेज कितनी है। तो आपने देखा होगा नॉर्मली 12 वोल्ट की बैटरी रहती है जो इन्वर्टर के साथ में होती है, तो इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये बैटरी का वोल्टेज डालना है जो बैटरी का है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये 6 से ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो अपने पास में आया 375 / 6, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के कितना आएगा देख लेते हैं। अपने पास में आ रहा है 375 / 6, ठीक है। तो ये अपने पास में 62.5 आएगा, ये आएगा निकल के 62.5, ठीक है। तो आपका जो बैटरी की रेटिंग होनी चाहिए वो इतना इनफ है। अब आपको देखना है कि इसके पास में इससे कम नहीं लेना बैटरी की रेटिंग, ये किसमें होगी, इसको मैं बता देता हूँ, ये रेटिंग होगी AH में, ठीक है। तो 62.5 या 62 मैं बोलूँ AH, जैसे आपने देखा है ना 150 AH बैटरी होती है, 125 AH होती है, 100 AH होती है, इसी तरीके से आपको ये देखना है कि जो बैटरी आप लेने वाले हो जिस भी ब्रांड में ले रहे हो आप, ठीक है, तो उसका जो एम्पियर में रेटिंग है वो 62 के पास में, मतलब 62 से ज्यादा कौन सा है पास में इसके, है ना। जैसे 70 AH की है आपके पास में, 75 की है या 90 की है, तो जो भी पास में होगी इस कैपेसिटी की वो आपके इस लोड के लिए, जो भी आपके पास में लोड है, ये वाली AH वाली बैटरी इनफ है, ठीक है, और ये सही काम करेगी बिल्कुल। पूछ करना एक बार ऐसा या इस वीडियो के मीडियम से कि इन्वर्टर एंड बैटरी, बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है इस चीज़ में, तो आपको ये नहीं अब डिपेंड रहना पड़ेगा कि शॉपकीपर ने मेरे को कौन सा दे दिया। आप एज ए इंजीनियर इन चीज़ों को इस वीडियो को देखने के बाद में अभी जानते हो कि क्या कैपेसिटी का आपको कितना लोड आपके पास में है, कौन सा इफेक्टिव लोड होगा जिसके अकॉर्डिंग आपको इन्वर्टर एंड बैटरी को लेना है। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, सबसे पहले हमने लोड देखा था, उसके बाद में ये कोई और भी लोड होगा तो गूगल से आप सिंपल सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका लोड कितना होता है, बाकी इक्विपमेंट पे लिखा भी होता है ना कितने वोल्ट का है। उसके बाद में यहाँ पे हमने इसे कैलकुलेट करके लोड निकाल लिया, पहले हमने 25% इसमें सेफ्टी फैक्टर के हिसाब से ऐड किया, उसके बाद में 0.8 पावर फैक्टर से डिवाइड किया, इसे ये निकल के आया हमारे पास में वोल्टेज। इसके बाद में इन्वर्टर की रेटिंग जो वोल्टेज एम्पियर में होती है उसका एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी का इन्वर्टर आपको आपके पास में है या लेना है आपको, तो उसके हिसाब से 90% है तो 0.9 से डिवाइड करेंगे, 80% एफिशिएंसी का है तो 0.8 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा अपने पास में वो रेटिंग होगी इन्वर्टर की। अब इसके पास में इससे ज्यादा जो भी रेटिंग का इन्वर्टर मिले वो आप ले लें, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं बैटरी रेटिंग पे, बैटरी रेटिंग में आपको क्या करना है, लोड इनटू बैकअप, ठीक है, फॉर्मूला है डिवाइड बाय वोल्टेज। वोल्टेज यहाँ पे लाइन की नहीं लिखनी है सिंगल फेज, ठीक है, कौन सी लिखनी है, बैटरी की वोल्टेज लिखनी है, यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं आप लोग। तो 12 वोल्ट की नॉर्मली बैटरी होती है उसे आपको यहाँ से डिवाइड करना है, देखो लोड कितना है 375 जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, × 2, टू क्यों, बैकअप, जितने बैकअप की आपको रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे रखेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से, ये 6 से ब्रेक हो गया यहाँ पे, 375 / 6, 62.5 AH यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, ये चीजें जो मैंने बताई आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। और अगर कुछ सजेशन है, कुछ आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी इसी तरह की वीडियो में हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें टैक्सकोन इंडिया के चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कोई नया वीडियो डले तो आपके पास में नोटिफिकेशन मिल जाए।